अभी कुछ और भी रह गया बाकी? नहीं, अभी चाय बन रही है बस, उसके बाद कुछ नहीं। घर चलो अपने अपने। हेलो सेवेंजर्स, कैसे हैं आप सब? रात के 9 बजे हैं अभी और आज का प्रोग्राम मास्टर जी के घर पे है 8:30 बजे का, यानी 8:30 बजे की दावत थी सारे सेवेंजर्स की। तो मैं सबसे लेट आया हूँ, आधे घंटे लेट हूँ मैं 9 बजे, और मैं आ चुका हूँ मास्टर जी के घर पर। तो चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या प्रोग्राम आज मास्टर जी ने दावत में क्या रखा है हम लोगों के लिए। दिखाता हूँ आपको, बने रहे मेरे साथ। तो गाइज, मैं अभी अभी आया हूँ और मुझे मिला है नीचे काशिफ। तो काशिफ भी शायद लेट आया, तू भी लेट आया क्या? अभी आया हूँ मैं। तो गाइज, ये भी अभी अभी आया, ऊपर गया नहीं वो भी? ऊपर मैं अभी नहीं गया, अभी नहीं गया ऊपर। तो गाइज, हम दोनों सबसे लेट है मेरे हिसाब से, शायद ऑलमोस्ट बाकी सारे आ चुके होंगे क्योंकि 8:30 बजे का प्रोग्राम था। बाकी चलते हैं ऊपर, देखते हैं कौन कौन आया, कौन कौन रह गया है। मेरे ख्याल से दल्लू छोर भी नहीं है, क्योंकि दल्लू छोर की स्कूटी नहीं है यहाँ। तो ये कह रहा है शाहरुख भी नहीं यहाँ पर, क्योंकि शाहरुख की स्कूटी है नहीं यहाँ पर। अरशद, अरशद की है स्कूटी? वो तो यहीं होंगे, और कहाँ होंगे वो। चलो अरशद भाई यहीं पर ही है, क्योंकि भाई दावत की रिपोर्टिंग उन्होंने डाली थी कि 8:30 बजे दावत है, तो अरशद भाई तो होंगे, 100% होंगे, ऊपर ही होंगे। हाँ हाँ जी गाइस, तो हमारे जो ग्रुप है उसमें जो वॉइस छोड़ी थी वो अरशद भाई ने छोड़ी थी कि 8:30 बजे दावत है मास्टर जी के यहाँ पर, तो सारे आ जाना। बाकी देखते हैं कौन कौन है गाइस, चलते हैं आपको भी दिखाते हैं, देखते रहें। तो गाइस, जैसा हमने भविष्यवाणी करी थी बिल्कुल सटीक सही बैठी है, अरशद भाई मौजूद है यहीं पर पहले से ही। क्या खा लिया, क्या बनाया? यार चावल खाए, उबले चावल। हाँ, डाइट पे हूं ना मैं, जिम जाता हूँ रोज। अब उलट चावल खाएंगे ब्रो। हाँ, कैसी रही दावत? दावत मस्त रही अल्हम्दुलिल्लाह, मस्त। दावत खत्म हो गई, हम लेट आएगा? तुम लेट हो गए, मैंने मैसेज किया था भाई, तुम लेट हो गए, आधा घंटा खत्म कर दिया हमने, भूखे थे हम पूरे दिन के। मैं तो भूखा आया हूँ घर से। गलत बात है, तुम भूखे सानी कर दूंगा, सानी है, सानी सानी एक साथ मिला के सारी चीजें। आज जीत गए हम मैच। बाकी के लोग कहाँ हैं? बाकी के लोग अभी आ रहे हैं। बिरयानी बिरयानी उठने, शाहरुख का, शाहरुख शाहरुख भाई का पता नहीं, फोन करो ना, फोन करो, फोन उठा नहीं रहे यार। चलिए गाइस, देखते हैं क्या है खाने में और खाते हैं। तुमने खा लिया? खा लिया मैंने, सानी कर दी। अरशद भाई सानी कर चुके हैं और अब मैं करूंगा सानी। ऐसे खाया ऐसे, बहुत बढ़िया, नाइस। तो गाइस, अभी अरशद भाई यहाँ पर मिले हैं और शाहरुख यहाँ पर है नहीं, तो मैं कॉल करता हूँ उसको, पूछता हूँ कहाँ पर है, देखते हैं बाकी कौन कौन है यहाँ पर। अभी तो यही है बस, बाकी देखते हैं, दिखाता हूँ आपको। मैंने बात कर ली है शाहरुख से, वो काम से गया हुआ कहीं, वो नहीं आएगा आज, और बाकी के लोग पता नहीं कहाँ है। जब वो आएंगे आते रहेंगे, पहले सबसे पहले खाना खाते हैं, क्योंकि खाना तैयार है और खाने को वेट नहीं कराना चाहिए। तो हम खाएंगे पहले खाना, काशिफ और मैं। गाइस प्लेट तो मिली नहीं, बारात में लग रही खाने के लिए। गाइस जो इनकी लड़ाई चल रही है, काशिफ भाई जबरदस्ती खा रहे हैं। ओ ओ इकरार भाई मत मारियो, है बीमार है। खाना खा लिया है मैंने भी, काशिफ ने भी खा लिया है, और अरशद भाई ने पहले खा लिया था, बट इन्होंने हमें खिलाया खाना, तो थैंक यू अरशद भाई। और काशिफ का तो सच बताऊं थोड़ा सा खाया उसने, बट मैंने खा लिया क्योंकि मुरादाबादी बिरयानी बनवाई थी मास्टर जी ने आज खाने में, और मेरी फेवरेट है क्योंकि मसाले वगैरह उसमें कम होते हैं, बहुत स्वादा सी बिरयानी होती है, सिंपल सी, तो मुझे अच्छी लगती है गाइस बिरयानी। सबकी फेवरेट है भाई वो बिरयानी, देखो हमने भी खा भी अच्छी तरीके से वो बिरयानी खाई है। और हमारे सुपरस्टार, हमारे सुपरस्टार आ चुके हैं सेवेंजर्स के, बताता हूँ आपको गाइस, ये रहे सुपरस्टार हमारे बन्नी ब्रो, मजे ले रहे हैं मजे, बन्नी भाई हमारे ओटो पे भाई, और मास्टर जी ये रहे गाइस। तो अब जानेंगे मास्टर जी से कि दावत किस चीज की थी, बताइए मास्टर जी। मैच जीत गए हम, आज मैच जीत गए गाइस सेवेंजर्स, और इसलिए दावत करिए। अब क्या बनवा रहे हो? नहीं अभी चाय बन रही है बस, उसके बाद कुछ नहीं, घर चलो अपने अपने। लास्ट चाय रहेगी गाइस, खाने के बाद अब चाय पियेंगे। दावत भाई मैच जीते हैं आज। तो मैच जीतने की इतनी खुशी यार, बिरयानी खिला दी 15-20 लोगों को, कोल्ड ड्रिंक, चाय, लग रहा है कई साल में जीते हैं। अच्छा कई साल बाद में जीते हैं, इसलिए खुशी है, जीते हैं वरना हारते ही आ रहे हैं शुरू से हम लोग। नहीं ऐसा नहीं है, जीते भी हैं बीच में, लेकिन ये थोड़ा और ज्यादा अच्छे उससे जीते हैं। आज 10 विकेट से जीते हो शायद आज। हाँ
10 विकेट अच्छे रन रेट से जीते हैं, मतलब लगभग लगभग 60 रन से जीते हैं। अरे वाह बहुत बढ़िया, इसी चीज की दावत थी है। चाय हमारी आ चुकी है और ये रही चाय, और ये काशिफ गाइस खाना तो खाता नहीं है, देखो चाय यहाँ पे रखी हुई है, दो एक्स्ट्रा दो एक्स्ट्रा चाय रखी है। और गाइस ये भी ये पिएगा, चाय बहुत पीता है, चाय का बहुत बड़ा शौकीन है गाइस ये। इसके बाद अभी एक कप और पीने को कह रहा है, मैं कम से कम 15-20 चाय पिया था गाइस ये, इसलिए भूख नहीं लगती, इसलिए ये पनप नहीं पा रहा है। अर्षद भाई सुनो सुनो, इधर आओ, पहले एक मिनट इधर आओ, यहाँ बैठो, चाय पी लोगे? इकरार भाई यूं कह रहे हैं कि ये पनप नहीं रहा, ईमानदारी से बताना कैमरे की तरफ देख के, मेरा भूसा कैसा लगता है? अरे भाई पिन पिनाता हुआ लगे, बहुत तकड़ा लगे भाई साहब, इतना डरते हैं ये मुझसे मजाक करके, इतनी दूर भागते हैं ताकि मैं इनके भूसा ना मारूं। तो ये हाथ नहीं था, हथियार है इसका मतलब है यार। तो अगर 10 विकेट से जीते तो किस चीज की दावत होगी? मैं दावत ही करते रहेंगे अब। ये बैठा था दावत खाने के लिए, बिरयानी खाने के लिए मेरे साथ, लेकिन इसने खाई नहीं, और क्यों नहीं खाई ये खुद बताया, क्यों नहीं खाई तो बिरयानी? और होटल में लग रहे हैं, मैंने इसलिए नहीं खाई क्योंकि मैं कुछ और खाऊंगा, KFC से मैंने ऑर्डर कर रखा आ रहा है बस रास्ते। तो दावत थी यार, दावत खाता ना ब्रो, बिरयानी का मन नहीं था इसलिए मुझे बनी भाई ने कहा तू बिरयानी नहीं खा रहा तो KFC से ऑर्डर करा, मेरे ख्याल से वो 5 मिनट में पहुंचने वाला है बस यहाँ, लेकिन उसमें से किसी को नहीं खिलाऊंगा। काशिफ कुछ कहना चाहेगा सेवेंजर्स के लिए? मैं कहना चाहूंगा एक चुम्मी और देते, मैं भी कहना चाहता हूँ कुछ। अच्छा ये भी कहना चाहते हैं कुछ? ओ कोच, इन्हें ओ कोच कहना है। मैं वीडियो में कहूंगा, वीडियो आने वाली है वो कोच वाली, जिसको वीडियो पसंद आती है वो जल्दी से कमेंट करें, क्योंकि मैं वो वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, इकरार भाई लाने वाले हैं। मतलब गाइस अभी वीडियो आई नहीं, कमेंट कहाँ से करेंगे ब्रो, पहले वीडियो तो भेज दे। वो वीडियो चाहिए, ये अगर वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, वो वीडियो हम बनाकर डालेंगे। अगर आपको ओ कोच वाली वीडियो हमारी नेक्स्ट पार्ट अगर देखना है तो व्लॉग में कमेंट करके जरूर बताएं। फाइनली गाइस दावत हो चुकी है पूरी फिनिश, और चाय भी पी ली हमने, मजा आया दावत में बहुत। तो इस व्लॉग को यही खत्म करेंगे, इतना ही था बस, बाकी दिखाते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ गाइस, आप अपना इतना कीमती टाइम निकाल कर हमारी वीडियो देखते हो, हमारा व्लॉग देखते हो, तो आप सबका दिल से शुक्रिया, लव यू ऑल 7। ये हुई ना बात, ठीक है गाइस, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।